दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कोई भी टेक्स्ट को ग्रेडियंट कैसे इंसर्ट करेंगे। आपके पास कोई भी फॉन्ट हो या कुछ टेक्स्ट है आपके पास, उसको ग्रेडियंट कलर कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, चलो कस्टम साइज लेते हैं। कस्टम साइज 2100 विड्थ एंड 2100 हाइट पिक्सल एंड क्रिएट न्यू डिजाइन। ठीक है, सो क्रिएट न्यू डिजाइन होने के बाद आपके पास ये एक ब्लैंक डिजाइन आ जाएगा। ब्लैंक डिजाइन आ गया आपके पास। सो अभी हम लोग क्या क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लेते हैं। चलो टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट के लिए आप क्या शॉर्टकट टी है, टी। अगर टी आपने सेलेक्ट किया, टी को प्रेस किया तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देन टेक्स्ट आ गया। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड टेक्स्ट बॉक्स करोगे तभी भी आपके पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, चलो अभी क्या करना है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, टी को प्रेस किया और यहाँ पे फॉन्ट इंक्रीज किया। ठीक है, सो अभी ये जो टेक्स्ट है आपका बाय डिफॉल्ट कलर क्या है दोस्तों, उसका ब्लैक है। ठीक है, चलो ये बाय डिफॉल्ट आपका कलर ब्लैक है, राइट। और हम क्या चाहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट कलर देंगे। ठीक है, चलो अभी ग्रेडियंट कलर कैसे देते हैं मैं आज आपको हैक बताऊंगा। आपका ग्रेडियंट कलर, कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, कोई भी फॉन्ट है, उसको ग्रेडियंट कलर कैसे देना है। चलो अभी एड पेज करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन में चले जाएंगे। ठीक है, डिजाइन में नहीं भी गए तो ये कलर जो है यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट होने के बाद आपके पास ये जो डिफॉल्ट कलर है, ठीक है, और ये ग्रेडियंट है। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट है आपको सपोज कोई ये कलर चाहिए, ठीक है, तो ये कलर ले सकते हो और ये ले सकते हो, अदरवाइज ये भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं अभी ये ले रहा हूँ, ये है ग्रेडियंट कलर। सपोज आपको ये चाहिए, चलो ये लेते हैं। ठीक है, आपका ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट फॉन्ट ले लिया मैंने सपोज गगालिन। ठीक है, सो ये जो फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो, मगर इसको ग्रेडियंट कलर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, तो हम आज देखते हैं इस टेक्स्ट को कैसे ग्रेडियंट कलर लेते हैं। आप चाहते हो नहीं, इसको कलर ऑरेंज करो, ऑरेंज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, रेड, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट कलर्स, यहाँ पे भी कलर से कोई भी कलर ले सकते हो, बट आपको ग्रेडियंट चाहिए तो कैसे होता है आज आपको मैं बताऊंगा। चलो तो अभी मैंने क्या किया, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन में मैंने आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अभी इसको आप अगर फॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो फॉन्ट आपको 150 चाहिए, ये हो गया है। चलो अभी देखो, इसको फ्रंट कलर ब्लैक है, इसको हम क्या करते हैं, ये फ्रंट कलर को यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी ये व्हाइट हो गया। चलो अभी क्या करना है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो है आपका ट्रांसपेरेंसी, इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी 40 कर दो। 40 किया मैंने, ट्रांसपेरेंसी 40 हो गया। अभी देखो ये जो है हो गया आपका, जो मैंने इस फॉन्ट कलर को व्हाइट किया था, अभी ट्रांसपेरेंसी करने के बाद ये जो ग्रेडियंट कलर से मैच हो गया। ठीक है, इसको अभी क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड करो। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया, पेज नंबर 2 चाहिए हमको, और पेज नंबर 2 डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी डाउनलोड के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपलोड, इसको अपलोड किया मैंने, डाउनलोड्स, ये देखो इसको मैंने ओपन किया, ये हो गया आपका पेज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
ऐड पेज किया, ऐड पेज, ठीक है, अभी ऐड पेज हो गया। चलो यहाँ पे देखो ये अपना क्या है, ब्लैंक पेज है और ये व्हाइट पेज है, ठीक है। अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया, सो ये आ गया। चलो अभी इसको मैंने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। अभी इसको मैंने क्या किया, बैकग्राउंड एडिट फोटो, बैकग्राउंड रिमूव कर दो, ठीक है। एडिट फोटो करो और बैकग्राउंड रिमूव करो, ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट था, ये नॉर्मल टेक्स्ट क्या हो गया, आपका ग्रेडियंट में चेंज हो गया, ठीक है। आप थोड़ा जूम करो, ठीक है। पहले क्या था, यही टेक्स्ट था आपका, कलर ब्लैक में था, अभी देखो ये ग्रेडियंट में चेंज हो गया, ठीक है। तो आज हमने सिंपल सा हैक देखा कि एक टेक्स्ट को, कोई भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट हो, उसको हम ग्रेडियंट कलर कैसे चेंज कर सकते, कैसे इनपुट दे सकते ग्रेडियंट कलर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।